क्षेत्र के मुंडला कलमा में हुई हत्या के बाद पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली। बीते बुधवार को शाहिद अली पिता मोहम्मद अली उम्र 30 वर्ष की हत्या हो गई थी। इंदौर पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन ने बताया कि देपालपुर क्षेत्र के बनेडिया गांव के रहने वाले राहुल और विपुल ने शराब के नशे में शाहिद की हत्या की है। इनका काफी समय से विवाद भी चल रहा था। घटना दिनांक वाले दिन भी रोजाना की तरह शाहिद टहलने के लिए ही निकला था, तभी अचानक राहुल और विपुल मोटरसाइकिल से पहुंचे और शाहिद को गाली गलौच देने लगे। बदले में शाहिद ने भी गाली गलौच दी। दोनों में पहले थप्पड़ मुक्की हुई, जिसके बाद उन्होंने शाहिद के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मृत्यु पुलिया के पास हुई है, शाहिद का हाथ भी पुलिया से टकराने के कारण फ्रैक्चर हो गया था। जबकि हत्या के बाद पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही थी। पुलिया के पास उस समय भी दोनों आरोपी वहीं घूमते देखे गए। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि शाहिद मर गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। देपालपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को थाना प्रभारी देवालपुर को सूचना मिली थी कि मुंडला गांव के पास पुलिया के नीचे एक खेत में एक युवक की लाश पड़ी। तत्कालीन मौके पर थाना प्रभारी देवालपुर और एसटीओपी देवालपुर पहुंचे और एफएसएल पार्टी को मौके पर बुलाया। मृतक की लाश का मुआयना करने पर उसके कान के पास सिर में चोट थी, पास ही एक डंडा पड़ा हुआ था, कुछ खून के निशान। प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा था कि मृतक के साथ मारपीट की गई है, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। लाश के पंचायत तावा के पश्चात थाना प्रभारी ने मृतक की पहचान के लिए आसपास के लोगों को तलब किया और मृतक की पहचान ग्राम मुंडला निवासी शाहिद अली के रूप में हुई। चूंकि प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण था, थाना प्रभारी देवपाल ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण की कार्यवाही का विवेचना प्रारंभ की। एक अंगी हत्या का प्रकरण था, जिसकी पतारसी हेतु थाना प्रभारी देवपालपुर और एसटीओपी देवपालपुर के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और इन्होंने लगातार 3 दिन की मेहनत के पश्चात कल शाम को लगातार कई लोगों से पूछताछ और मुख्य द्वारा जो सूचना मिली उसके आधार पर दो युवक विपुल और कुणाल को पकड़ा और उनसे कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्होंने जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपियों ने जो घटनाक्रम बताया उस प्रकार है कि कुछ दिन खून कुणाल के साथ में मृतक साहिद का विवाद हुआ था। मृतक बहड़िया गांव तक घूमने आता था, तो एक बार उन्होंने उसको बोला कि भाई तू इतना घूमता रहता है, तूने अपना कोरोना का टेस्ट कराया क्या? और इसी बात पर साहिद ने कुणाल के साथ में गाली गलौच कर विवाद किया था। 6 तारीख की रात को मृतक इन दोनों को अकेला दिखा, इसी बात पर से लेकर उनका आपसी विवाद हुआ और फिर आरोपियों ने वहीं पास में बहुल की लकड़ी उठाकर मृतक के साथ में मारपीट कर दी और उसके बाद वो भाग गए। इस प्रकार एक अंधी हत्या का पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी देपालपुर सुश्री वीणा कणावत तथा उनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। इसको पूरी टीम को 5000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी है, हालांकि ऐसा जानकारी में आया है कि शायद उसकी मानसिक स्थिति पूर्व से ही ठीक नहीं है। तो मध्य प्रदेश शासन की योजना है पीड़ित प्रतिकर अधिनियम, उसके तहत मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने हेतु पुलिस अपनी तरफ से प्रस्ताव तैयार करके उसके विधिक सहायता केंद्र को भेजेगी। उम्मीद है जब भी मीटिंग होगी
हम मृतक बंदी को आर्थिक सहायता इस अधिनियम के तहत पीड़ित पति के अधिनियम के तहत स्वीकृत करें।